फाइनली हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ कनक भवन की ओर। सो कनक भवन की भी अपनी एक स्टोरी है, विच इज समथिंग वेरी मच इंटरेस्टिंग, जिसको अब मैं आगे आप रास्ते में चलते हुए आपको बताऊंगा। यार अभी मैं जनक भवन की तरफ जा रहा हूँ, आते वक्त फिर दशरथ भवन जा लूँगा, फिर एक लास्ट आई थिंक बचेगा जन्मभूमि, राइट? आई थिंक दीज टू थिंग्स ऑलमोस्ट कवरिंग इट। द लास्ट विल गो टू सरस्वती। इधर से कनक भवन है, यहाँ पे मैं मंदिर, ये जो कनक उसको मेन एंट्रेंस में खड़ा हूँ। आप आसपास का जो एनवायरनमेंट देख सकते हैं काफ़ी नीट, और ये काफ़ी मतलब कनक भवन काफ़ी लोग इस मतलब हिस्टोरिकल डेटा अगर देखिए इसको, मंदिर बहुत बार ये रिनोवेट किया गया है, बहुत बार कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी हुआ है इसको, बहुत से राजों ने इसको दोबारा बनाया भी है, राइट? जैसे कि आप में भवन के अंदर आपको एंटर करना, आपको ऐसा फील होगा कि आप एक अलग तरह का आर्किटेक्चर में समथिंग, इट विल फील मेसमराइजिंग, लाइक कि आप राजस्थान या बुंदेलखंड के जो बड़े बड़े जो भवन है उसके अंदर आप एंटर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं हाउ ग्लोरियस इट इज। आई वॉज टोटली स्टन गाइस, एक तक मैं चौंक सा गया था, क्योंकि राम जी का जो भवन है उसके दर्शन करने के बाद ये एक ही दूसरा मंदिर, मतलब मंदिर कह सकते हैं या भवन कह सकते हैं, जो दूसरे नंबर पे से ज़्यादा खूबसूरत है। एक कहानी बता रहा हूँ, काफ़ी शॉर्ट स्टोरी है, कि ये राम जी की मदर माता कैकेयी ने सीता जी को गिफ्ट दिया था, सो लाइक पोस्ट राम जी और सीता जी की मैरिज के बाद, तो दिस वॉज समथिंग द पर्सनल स्पेस फॉर राम जी एंड सीता जी। से देख रहा हूँ इसमें इतनी ब्यूटीफुल है, ये कितने अच्छे से इसको बनाया गया होगा। इससे कुछ हिस्टोरी बताना चाहूँगा कि इसको पास्ट में काफी बार इसको तोड़ा भी गया है, एक बार तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी हुआ है, राइट? सो पहले ये रिकंस्ट्रक्शन भी काफी बार हुआ है। फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट रिकंस्ट्रक्शन वाज डन बाय राम जी के जो बेटे हैं कुश के द्वारा, इट वाज समथिंग अली पीरियड द्वारपाल युग। लेटर ऑन ये माना जाता है कि श्री कृष्ण जी ने भी इसको इस जगह पर विजिट किया था, सो समथिंग प्री कलयुग पीरियड हम बता सकते हैं। एंड सम स्टोरी आल्सो सेज दैट कृष्ण हिमसेल्फ हैज आल्सो रीबिल्ट इट एट द टाइम ऑफ द्वापर युग। सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं अयोध्या, तो दिस इज समथिंग द मस्ट विजिट प्लेस, आपको इसको स्किप नहीं करना है, राइट? लेकिन जो रात्रि विश्राम था उनका वो यहाँ पे था, और यहीं पे आप अंदर एंट्री करेंगे तो दाहिने हाथ पे कहीं भी आप हनुमान जी को देखेंगे, हनुमान जी का मुंह अच्छा।